Good morning, dear students. You are welcome to your online EVS class. This is class 4 EVS chapter 1, going to school. It is 6th part and last part of this chapter. So let's start this chapter and continue. So our next topic is talk about. इस बारे में बात करना है. So किस topic है आपका? किसके बारे में आपको बात करना है? डू यू आल्सो हैव पनिश्ड इन योर स्कूल? क्या आपको भी स्कूल में पनिशमेंट मिला है? तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये जो हमने नहीं किया हुआ है, पहले हम इसे देखेंगे. नो पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट नहीं फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, बच्चों की कलम से. सो फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स. ये कोई स्कूल है जहाँ पर ये रूल बनाया गया है कि टेस्ट में फेल होने से 30 रूलर्स फोल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर. होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स. नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन 30 सिटअप्स. हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स. देखिए यहाँ पर नेल कट नहीं है तो 30, होमवर्क नहीं है तो 8 रूलर, फोल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर, क्लास में टीचर नहीं है तो मजा करने का आपको 2 आवर्स तक वन पैर में खड़े रहना. नॉट बैक इन द क्लास आफ्टर द रिसेस. रिसेस के बाद क्लास में वापस नहीं आने पर स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर. हाथ ऊपर करके, हवा में हाथ ऊपर करके 1 घंटे तक खड़े रहना बेंच के ऊपर. तो ये बच्चों ने लिखा है कि इनके स्कूल में इस तरह का पनिशमेंट मिलता है. ये लिखा है क्लास 5 के स्टूडेंट सागर मिश्रा ने, जो कि चकमक अगस्त 2006. ठीक है, हो सकता है इनके स्कूल का नाम हो. ये हैं देवास मध्य प्रदेश से. सो आपको इस बारे में बात करना है. हमारा जो टॉपिक था, हमने शुरू में आपको बताया टॉक अबाउट इट. तो किसके बारे में बात करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बात करना है? तो यही है, स्कूल में पनिशमेंट. तो डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड? तो क्या आपको भी स्कूल में पनिशमेंट मिलती है? अगर मिलती है तो किस तरह की? Do you think that punishment should be there in schools? तो क्या आप सोचते हो कि वह punishment स्कूल में होना चाहिए? Is punishment the only solution to misdeeds? They make some rules for school to prevent misdeeds. तो क्या आप misdeed means क्या होता है? गलत बर्ताव, गलत व्यवहार करने का सिर्फ punishment ही एक solution हो सकता है? तो आप स्कूल के कुछ रूल्स बनाइए जिससे कि गलत व्यवहार ना हो सके, उन्हें रोकने के लिए. और आपको क्या करना है? ड्रा पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट. तो आप अपने नोटबुक में ड्रीम स्कूल, यानी आप अपने सपनों के स्कूल का एक पिक्चर बनाइए, एक ड्राइंग बनाइए और उसके बारे में लिखिए. ठीक है ना? तो ये काम आपको करना है. सो जो हमने कहा था कि क्वेश्चन थे, उनके आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो. जैसे फर्स्ट था, डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड? तो अब सभी के स्कूल में कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो होती ही है, चाहे वो मॉरल हो चाहे वो फिजिकल हो. ओके, तो मेंटल पनिशमेंट भी टीचर्स देते हैं. तो वो सब पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों के जो प्रोग्रेस पे, बच्चों के प्रोग्रेस पे कोई भी असर ना पड़े. ठीक है ना? उस तरह का पनिशमेंट होना चाहिए. तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना है कि आपके भी स्कूल में पनिशमेंट होती है तो किस तरह की होती है. जैसे यहाँ पर आंसर लिखा, यस वी हैव पनिशमेंट इन माय स्कूल. द पनिशमेंट वुड बी वन हैज टू नील डाउन स्टैंड आवर डेस्क और स्टैंड आउट ऑफ क्लास फॉर होल पीरियड. या तो नील डाउन करना, या डेस्क पे खड़े रहना, या फिर क्लास से पूरे पीरियड बाहर रखना. हम लोग किस तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं? जैसे कि एज अ टीचर मैं आपको बताती हूँ, हम लोग पनिशमेंट दे सकते हैं कि अगर आपने कोई भी मिसडीड करी हुई है,
ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट का पीरियड है उस सब्जेक्ट के पीरियड में आपको खड़े होके आपको प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, अगर आप अपना टॉपिक तैयार नहीं कर पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो टीचर आपको पनिशमेंट दे सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको तैयारी करके आना है और आपको पूरे स्कूल के सामने या पूरी क्लास के सामने उसको प्रिपेयर करना है। तो इस तरह का पनिशमेंट जो है वो बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाता है और बच्चे जो हैं वो मिसडीड करने के बजाय क्या करने, पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सकते हैं। सो इस तरह का भी पनिशमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल? क्या आप सोचते हो कि इस तरह की पनिशमेंट स्कूल में नहीं होनी चाहिए जैसा कि आंसर वन में लिखा हुआ है? तो नो, आई डोंट वांट पनिशमेंट इन स्कूल। नहीं, हम स्कूल में पनिशमेंट नहीं चाहते। देखिए, पनिशमेंट अगर नहीं होगा स्कूल में तो बच्चे मनमानी करने लगेंगे, तो किसी ना किसी तरह का पनिशमेंट तो होना ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे को राइट डायरेक्शन में ही क्यों ना लेके जाए। जैसे कि अगर आपने खेलते समय किसी फ्लावर्स को तोड़ दिया हुआ है, किसी फ्लावर्स के प्लांट को नुकसान किया है, तो पनिशमेंट आपको स्टिक से मारना या खड़े रहना ये नहीं है। आपको नया प्लांट लगाने के लिए, ग्राउंड की सफाई के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है, जिससे कि आपका नेक्स्ट टाइम पे आपको समझ में आ जाए कि इस काम को करने में, इस प्लांट्स को लगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप खुद नेक्स्ट टाइम से ये काम नहीं करेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट, होम विल यू इन्फॉर्म? अगर आप इस तरह के इंसिडेंट, यानी कि जैसा कि पनिशमेंट यहाँ पर आंसर वन में दिया है, अगर आपको मिलता है तो आप किसे इन्फॉर्म करेंगे? तो यहाँ पर आंसर, आई विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल व्हेन एनी सच इंसिडेंट हैपन। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेन? आप कंप्लेन कैसे करेंगे? तो आई कैन मेक कंप्लेन बाय ड्राफ्टिंग इन अ लेटर क्लियरिंग स्टेटिंग डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। आप क्या कर सकते हो कि जो भी घटना आपके साथ हुई है उसे एक लेटर में लिखकर और आप अपने प्रिंसिपल को दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन टू मिसडीड? मेक सम रूल टू स्कूल प्रिवेंट मिसडीड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसके कुछ ऐसे भी रूल हो सकते हैं जिससे कि बच्चे गलत ना करें और उनको पनिशमेंट भी मिल जाए, लेकिन वो पनिशमेंट ऐसी हो जिससे कि बच्चे जो है वो राइट डायरेक्शन में आ जाए, गलत डायरेक्शन में ना जाए, उनके मन में किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो। तो यहाँ पर आंसर है, डेफिनेटली नो पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन टू मिसडीड। तो डेफिनेटली नो, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। पनिशमेंट जो है किसी भी गलत काम का एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी क्या होते हैं, एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे वो वैसा ही बनेंगे, इसलिए हमें उन्हें अच्छी तरह से व्यवहार करना है। तो यहाँ पर, हियर आर सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड, तो कुछ रूल बनाए जा सकते हैं जिससे कि बच्चे गलत काम ना करें। जैसे कि स्कूल नॉट ब्रिंग कॉस्टली आइटम आर मनी टू द स्कूल। ठीक है, स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट शुड नॉट ब्रिंग कॉस्टली आइटम और मनी टू द स्कूल। बच्चे महंगे आइटम या फिर मनी स्कूल में ना लेके आए। स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल इन अटेंडिंग क्लासेस। क्लास अटेंड करने के लिए बच्चे बिल्कुल पंक्चुअल हों, सही टाइम पे आए। स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ मोटरसाइकिल और कार्स टू कम स्कूल। तो बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो मोटरसाइकिल या कार से स्कूल आए। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट ड्राइव केयरलेसली विच में कॉज इंसिडेंट। ये क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे केयरलेसली, बेपरवाही से ड्राइव करते हैं और इससे एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे भी लेस देन 18 ईयर बच्चों को भी किसी भी तरह की कोई भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सो स्टूडेंट
और भी कुछ रूल्स हैं जैसा कि आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, तो आप अपना भी यहाँ पर जो भी आपके मन में आता है कि किस तरह के रूल्स होने चाहिए स्कूल में मिसडीड को प्रिवेंट करने के लिए, वो आप खुद भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर इस चैप्टर को पहले हम रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चन से। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।